बनाते हैं शादी वाली कढ़ी, तो शादी में इस तरीके की कढ़ी बनाई जाती है। तो शादी में जब मंडप होता है तब कढ़ी ऐसी बनती है। तो मैं मंडप की तरह कढ़ी बनाती हूँ। तो मैंने ये देखिए, मैंने सबसे पहले बेसन थोड़ा सा लिया, बेसन को घोल लिया और उसमें नमक डाल दिया, और नमक डाल के उसमें थोड़ा सा बिल्कुल नमक डाला और थोड़ा सा मिर्चा डाला, और मिर्चा डाल के ये पकौड़ियाँ मैंने बनाई हैं। तो ये पकौड़ियाँ देखिए बनते हैं। आज पानी भी, बारिश बहुत तेज़ हो रही है और मैं पकौड़ियाँ भी बना रही हूँ। तो इस बारिश में गरम गरम पकौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी लगती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो मैं इसको बच्चों को दे रही हूँ, तो पकौड़ियाँ खाते जाते हैं। बारिश बहुत तेज़ से हो रही है, तो मैं पकौड़ियाँ, बारिश में बहुत ही शानदार लगती हैं और टेस्टी भी लगती हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल बढ़ा लिया है कढ़ाई में, और बढ़ा के हमने बिल्कुल ही गर्म करने के लिए छोड़ देती हूँ। ये गर्म हो चुका है, मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें भी पकौड़ियाँ थोड़ी सी डाल देती हूँ, गैस का फ्लेम तेज़ कर देती हूँ। और मेरा थोड़ा सा बेसन बचा हुआ है, वैसे छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाते हैं। और बना के इस तरीके से इसको सब पकौड़ियाँ डाल देते हैं। तो बस तू ही करना बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे, और डाल दिया है। अभी मेरी पकौड़ी तैयार है, अभी एकदम से फटाफट हो जाएंगी। तो आप बताना कि मेरी पकौड़ी कैसी बनी है। तो आप पकौड़ी बन के तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इसको थोड़े से बन जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा बेसन और डालूँगी, और बेसन डाल के इसी में और भगोने में थोड़ा सा बेसन का तब तक घोला बना के तैयार कर लेती हूँ कढ़ी वाला। और पकौड़ियाँ तो सिकने में बहुत जल्दी ही सिक जाती हैं। और ये गरम गरम सेक देते हैं, और मैं इसको घोला को तैयार कर लेती हूँ। घोला बन के मेरा तैयार हो गया है, मट्ठा का और बेसन का। थोड़ा सा बेसन डाल देती हूँ और थोड़ा सा दही डाल देती हूँ। दही को मैं इसको में मथनिया से मथ चुकी हूँ, और उसमें थोड़ा सा जो दही में गांठें रह जाती हैं उनको भी मैं मथनिया चला के चला देती हूँ। और बस इसको गोला बना के तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, मैं बेसन को घुल चुका है, बेसन घुल के रख दिया है, और पकौड़ियाँ इधर घुल रही हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितने बढ़िया, सब चिपक गए हैं। ज़्यादा गीला हुआ था बेसन, इस वजह से ये चिपक गए हैं। सब छूट जाएंगी, परेशान मत होइए, परेशान मत होइए, सब छूट जाएंगी। ऐसे सिक गया है पकौड़ा, पकौड़ियाँ, कोई पकौड़ा बोलता है तो कोई पकौड़ियाँ बोलता है। और ये बहुत ही बहुत दूर की जगह फरकाबाद में इसी तरीके से पकौड़ियाँ बनती हैं। ये फरकाबाद की ही पकौड़ियाँ हैं। तो और ये फरकाबादी पकौड़ी आप लोगों ने कभी नहीं खाई होगी, होटल वाली उसी तरीके से बनाते हैं। वो फरकाबाद में पकौड़ियाँ, फेमस पकौड़ियाँ और कढ़ी और चावल जो होते हैं, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जो जो कि खाएं, उसी तरीके से मैंने आज घर पे बना के तैयार किया है। तो आप भी उसी तरीका को समझाऊंगी। तो मैं इसमें ऑयल को थोड़ा सा रखा है, इसमें मैं थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ। हींग मेरी जल चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देती हूँ, हींग के ऊपर थोड़े हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। हल्दी पाउडर डाल के इसको अच्छे से चला देती हूँ। चला के इसको भुन जाता है, तो ये इसको अच्छी तरीके से भुन जाता है। तो मैं इसमें मट्ठा और बेसन मिला हुआ
इसमें घोल डाल देती हूँ। घोल डाल के अब देख सकते हैं मेरी कढ़ी, इसको आप बराबर से चलाते रहिए, इस वजह से इसको जब चलाओगे नहीं तो फट जाएगा, दही होता है तो फट जाएगा। इसमें देखिए मैंने इसमें बर्तन भी बर्तन में डाल दिए थे मिट्टी के, तो दही के पकौड़े, दही की कढ़ी बनाई हुई है और मिट्टी की नहीं बनाई है, तो मिट्ठा हमने स्किप कर सकते हैं। ये मिट्ठा आपके पास हो तो मिट्ठा की भी बना सकते हैं, और हमने तो दही की बनाई है। मिर्चा पाउडर डाल देती हूँ, थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, और नमक डाल दिया है हमने। अब बेसन को मैं इसको रख देती हूँ, अब मैं इसको चलाती रहूँगी, जितना ही चलाएंगे उतना ही अच्छा होएगा। तो जब इसमें खुशबू आने लगे, चलाते चलाते जब खुशबू आने लगे, ये बेसन की खुशबू आने लगती है, तब जब खुशबू आने लगे तब समझो कि ये बन गई है, और नहीं तो नहीं बनेंगी। तो बाद ये मेरी कढ़ी कैसी लगी है आप लोग बताना, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना, लाइक करना, इसको बराबर से चलाते रहिएगा, और चलाते चलाते ये बिल्कुल बैटर ठीक बन, ठीक उसी तरह चलाते रहिए जैसे ही खोया बनता है, बिल्कुल उसी तरीके से चलाते रहिएगा। और चलाते चलाते ये बिल्कुल ये चकाचक बन जाती है, तो बन के तैयार हो जाती है। और ये देख सकते हैं कितनी बढ़िया इसका कलर आया है, और पकौड़ियाँ भी इसमें मैं ऐड कर चुकी हूँ, पकौड़ियाँ डाल चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैं इसको सर्व भी कर ले रही हूँ अभी एक मिनट में, तो मैं इसको कढ़ी जब खाएंगे तो वो याद कर जाएंगे। इसमें मलाई वाला दही डाली है, मलाई वाली कढ़ी बनाई है, तो मलाई इसमें जब दही कढ़ी खाओ तो ये लग रहा है कि बिल्कुल ही मलाई खा रहे हैं। तो वो ये देखिए मैं सर्व कर लेती हूँ, एक मिनट में सर्व हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बताना मेरी कढ़ी कैसी बनी है।